केंद्र में धनो धन माला माला के चल रहा है तो माला धन बताओ धनो धन में तो माल के फोन नौकर है भगवान बोले धन नौकर है धनी मालिक है रानी बोले धनी मालिक है रानी बोले घर का आपका खाता पूरा हो गया कैसे भगवान चतुर्मुनि बन के पुटित हो गए बोले भक्तों भगवान की जय कहने लगे धन्यो देवी तुमने बोले बच्चों में ऐसा फांसा करी तो सब गड़ गए पर कर मांगो रानी बोली मूल कैसे मैं चाहिए भी कैसे ले चले राजा के सामने पहुंचे वरदान मांगो वरदान मांगो राजा बोले प्रभु हमें कैसे मैं चाहिए भी कैसे ले चले और रानी के सामने आए भगवान बोले वरदान तो कहने लगे महाराज रानी ने कही सुन लो प्रभु जी हर तरह से अब मेरी हो तो मनाई दरवाजे पे आकर छल कर की और यज्ञ दिनों विघ्न मचाई जब पेश गई भगवान के पल के नीचे को धो गए कहने लगे राजा कब तक मांग लो राजा कल बोले दे दो प्रभु मांगो जवाब दिया हम इधर नजर उठा के देखे हमें आपके दर्शन हो राजा कल बोले हम इधर नजर उठा के देखे हमें आपके दर्शन हो भगवान बोले हैं मस्तु ऐसा ही होगा भक्तों राजा बलगोर महल बनवा छप्पन दरवाजे दर्शन राजा बल ने पहले दरवाजे निकाला कि भगवान धाती पहले दरवाजे अब दूसरा तीसरा चौथा आठवां दसवां अंदाजा लगा लोगो नगर कितनी जल्दी जा सकती है तो भगवान फिरत नहीं बन के भागा था भागा था तो ये भी जब इस तरह में पत्र भी नहीं दिन के दो बजे से नाथ सुर बहुत सारे पांच बजे जाए लक्ष्मी सोच रही प्रभु जन चले गए नारद जी ने आकर के बताया कि भगवान पर के चरणों में फंसे मैया लक्ष्मी ने भाग दिया राजा बल के दरवाजे पर जाकर के बोले कहने लगी भैया मेरे प्रभु को क्यों बताया काबिलाड़ो मेरे प्रभु ने राजा बल की दुल्हन बोली हमसे बात करो तब कहां गई जब दरवाजे पर आके ने नौटंकी करी अपने अपने पति सबको प्यारे हैं तो राजा बल ने एक दरवाजे में निगाह रोक के भगवान खड़े होने हाथों लगे मैया लक्ष्मी पसीना पूछने लगे वो बोली क्या जरूरत थी जो भक्त को सताए हुए आई वो खुद ही फांसी में लटक गए किसे लगाएं दोषम किसे करें बदनाम पढ़के तो पाए हमने अपने खोते दाम दाम ले अपने खोते हैं क्या करें पर निकाले तो भगवान कहने लगे लक्ष्मी जी भगतन ने लोगों नाम पाते ना
আসতে পা কোনটাতে আসতে হবে আর তুমি আপাতা করার বানাতে হইছে মন চিতে না হতে অপ্রতি কি কথা যা করতে সব লোক কো ভেদ দিও এই তরে সে রাজা বল কো পাতা কা সম্রাট বানায়া ও পেলে বালে ইন্দ্র কো সম্রাট গ্রহণ কর বানা মেরে প্রভু कभी कभी स्वयं मुसीबत में पड़ जाते हैं भक्तों के लिए भाइयों और देशियानों ने कभी भैया ने सारे परिवार ने सात दिन के लिए ज्ञान की कथा बहाने का संकल्प किया है आज चौथा दिन था बहनाओं कल भगवान का भैया के जन्म की कथा होगी भगवान का जन्म एक में होगा और बधाई मैया यशोदा के आनंद में पड़ेगी की जरूरत पड़ेगी जेल में सभी बहना कपड़ा लेकर आए तो भगवान के रही आवाज को तो भगवान को कपड़ा भेंट करें अब आप लोग खड़े होकर भगवान की याद सभी अर्थात जोड़े पर जपन निकालने सभी आरती करें तुम्हारी श्री पाके श्री राधे श्री राम
सभी ननिहाल में है। शुक्राचार्य ब्राह्मण जिजमानी में गए हुए हैं। सारी रात देवयानी को रोते बीत जाती है। राजा याद की यादों में खो जाती है। और जैसे रात होते ही शुक्राचार्य ब्राह्मण जब लौट कर आए हैं, तुम्हें भिकमंगा बताया है। मेरा पिता मेरे पिताश्री के घर टुकड़ों से पलता है। शुक्राचार्य ब्राह्मण कहने लगे, अच्छा इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा अपमान मेरा इस जड़ा चौधरी में ब्राह्मण बनाना ठीक नहीं है। अपनी बेटी का बेट हाथ हाथ में लिया है और हाथ में हाथ लेने के बाद राजा देश छोड़कर चल दिया है। देश छोड़ कर चल दिए आया शरणा। जब जब शुक्राचार्य ब्राह्मण अपनी बेटी का हाथ हाथ में पकड़ कर चले तो दस परिवार को मालूम हुआ है कि मेरे गुरु हमसे रुष्ट होकर जा रहे हैं। तो भाग कर आ गया है, बोला जाओ हमारी चल के गा।
मंच पर आ जाइए। श्री सुखदेव जी समझाने लगे हे उत्तराधंगु परिचर्या 88,000 जीव के बीच में बैठे हुए श्री सुखदेव जी भगवान की भक्त भावक कथाओं पर स्वस्वाधों पर कराते हैं। श्री सुखदेव जी समझाने लगे हे उत्तराधंगु परिचर्या इधर प्रागराज यहाँ वास्ते राजा यात बराज सजा कर लेकर आए हैं। Thank you.